तो है गाइस, कैसे आप सब लोग करते हैं, अच्छे होंगे। तो आज चुके हैं नए वीडियो के साथ। तो आज हम आप लोग को लेके एक नए फॉर्म लेकर चुके हैं, एंडरमैन एचपी फॉर्म। तो आपको एचपी मिलेगा और आपको एंटरपल भी बहुत सारा मिलेगा गाइस। तो आज की वीडियो में इसी तरीके से, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। तो गाइस, इस फॉर्म को बनाने के लिए आपको एंड में आना पड़ेगा गाइस। तो हमें एंड में आना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये तभी ये फॉर्म वर्क करेगा गाइस। तो इसी तरीके से, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक जगह बना लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक ब्लॉक इस तरीके से रखना है और आपको इस ब्लॉक के लेके यहाँ पर दो ब्लॉक इस तरीके से तोड़ना है और कुछ इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर से इस तरीके से फिर दो ब्लॉक तोड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से, और यहाँ पर से इसको हम मिला देंगे। फिर यहाँ पर से हम दो ब्लॉक तोड़ेंगे इस तरीके से कुछ, और इस तरह से भी दो ब्लॉक तोड़ेंगे इस तरीके से। हम इसको पूरा एक इस तरीके से एरिया बना लेंगे। तो गाइस, कुछ इस तरीके से एरिया आप खाली जगह कर लेना है और यहाँ पर जो हमारा जो बीच का तोड़ देना है। और आपको यहाँ पर से जो हमें जो एरिया बनाया था, वहाँ पर से आपको कुछ मतलब 20 ब्लॉक या 15 ब्लॉक आपको मतलब डीप माइनिंग कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमको डीप कर लेना है। तो हम फटाफट से करते हैं और उसके बाद आपको हम दिखा देंगे। आपको 15 या 20 कर लेना है, तो आपको उससे ज़्यादा नहीं कर लेना है। तो एंडरमैन, तो जो हमारा जो एंडरमैन है गाइस, तो ऑटोमेटिक मर जाएगा, तो आपको उससे आपको एक्सपी नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से हम इसको हम फटाफट से करते हैं और आपको थोड़े दिन में हम मिलते हैं गाइस। तो गाइस, हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर हमें नीचे जाना है। और नीचे के बाद हमारे जो यहाँ पर साइड का ब्लॉक है, इस तरीके से मतलब दो दो ब्लॉक हम यहाँ पर से वापस यहाँ पर से हमें इस तरीके से हटा तोड़ देंगे। तो हमें इस तरीके से तोड़ देना है दो दो ब्लॉक, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर से हम दो दो ब्लॉक को चारों तरफ से मतलब इस तरीके से निकाल देंगे दो दो ब्लॉक का। तो इस तरीके से हम निकाल देते हैं फटाफट। तो गाइस, इतना होने के बाद और आपको क्या करना है, और आपको कौन सा भी साइड में कौन सा भी डायरेक्शन में जाना है, और आपको बाहर निकलने का मतलब एक रास्ता बना लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर से आपको रास्ता बनाना है, तो यहाँ पर से थोड़े ब्लॉक जाएंगे और हम सीधा ऊपर ऊपर के लिए मतलब रास्ता बना देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा हो गया, तो देखो एंटरमेंट यहाँ पर आना भी होगा, तो ये अभी ऐसा ही आ जाता है। तो हमें तो यहाँ पर अभी मतलब लेगर रोड से गिरना रहता है, यहाँ पर उस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डबल चेस्ट लगाना है कुछ यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर, तो यहाँ गलती लगाएंगे तो यहाँ से लगाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से डबल चेस्ट लगाने के, और हमें यहाँ पर हॉपर की जरूरत। तो हमारा जो हॉपर है गाइस, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चेस्ट में अटैच होकर लगाएंगे, तो क्रॉच होकर लगाएंगे, तो यहाँ पर बराबर लगेगा इस तरीके से। हम यहाँ पर हमारे जितना ऊपर लगे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ ऊपर लगा देंगे, तो प्रॉपर यहाँ पर लगा देते हैं गाइस। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ज़्यादा ऊपर लगे ना, तो यहाँ पर से नो ऊपर का भी नो ऊपर से भी काम चल जाता है। तो गाइस, इसी तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, तो इस तरीके से हमें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऊपर लगेगा, तो मतलब 10 या 12 ऊपर आपको लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ प्रॉपर प्रॉपर तरीके से कवर कर देना है। और जो हमने यहाँ पर एक एक ब्लॉक जो बाद में हटाएगा इस तरीके से, तो इसको आपको इस तरीके से रखना है ताकि हम यहाँ पर से घूम घूम के एंटरमेंट को जो मार सकते हैं। तो हमें एंटरमेंट कुछ नहीं कर पाएगा इस तरीके से, क्योंकि जब तक उसका आँखें मैंने देखा तब तक कुछ नहीं करता है वो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर से एक एक ब्लॉक दो दो ब्लॉक को सेट किया ताकि अब यहाँ पर हम घुसें और एंटरमैन यहाँ पर नहीं घुस पाएगा। इस तरीके से एंटरमैन का कुछ तीन ब्लॉक हट कर रहता है इसी तरीके से। तो यहाँ पर से हमारा जो फटाफट से यहाँ पर दो बच गया, और यहाँ पर से एक इस तरीके से लगाने का, तो हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है इस तरीके से। और हमें यहाँ पर से अभी क्या करना है, ऊपर जाना, तो यहाँ से ऊपर चलते हैं और यहाँ पर से ऊपर जाने का रास्ता बना लेते हैं। तो आप लोग को भी इस तरीके से ऊपर जाने का रास्ता बना सकते हो, और बाद में आप यहाँ पर स्टेयर लगा देना, तो आगे ऊपर जाने में आप लोग को आसानी रहे। तो इस तरीके से हम पूरा कर लेते हैं, तो ऊपर जाते हैं और यहाँ हम ऊपर आने के बाद, और यहाँ पर से आपको एक ब्लॉक लेना है इस तरीके से, यहाँ पर ब्लॉक रखना है और यहाँ पर से बीच में ब्लॉक रखना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर से आपको इस तरीके से आपको सेंटर में ब्लॉक लाना है कुछ इस तरीके से। तो सेंटर में हमें और एक ब्लॉक लगा देना है, तो सेंटर में तक आ चुके, तो अभी सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से हमें बीच पे बाकी का ब्लॉक तोड़ देना है और यहाँ पर और एक ब्लॉक लगा देना है कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा जो यहाँ पर, तो इस तरीके से हम रोड लगा देंगे। तो इस तरीके से तो ये तो बहुत नीचे हो रहेगा, तो इसको तोड़ के शायद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत नीचे रोड, इसके ऊपर हम और एक ब्लॉक लगाएंगे और उसके ऊपर हम रोड लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक रखना है, और इस साइड के लिए भी एक ब्लॉक इस तरीके से रखना है, और इस साइड के लिए, और इस तरीके से मतलब एक यहाँ पर इस तरीके से मतलब कवर कर देना है। तो इस तरीके से ब्लॉक यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से, और यहाँ पर एक इस तरीके से हम एक कवर कर देंगे इस तरीके से हम कवर करते हैं। और उसके बाद हमें रेल माइन का मतलब पटरी लेना है इस तरीके से और यहाँ पर लगा देना है, और एक आपको लेडर लगा देना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ पर एक माइन कार्ड लगा देना कुछ इस तरीके से, और हमें यहाँ पर एंडरपल का भी जरूरत पड़ेगा, तो कुछ एंडरपल ले लेना है। और यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्रॉच में सेंटर पर आना है, जो हमें लेडर लगाए थे वहाँ पर आपको कॉर्नर में कुछ इस तरीके से यहाँ पर
मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर कोने में इस तरीके से एंटर पल मारना है, तो जब तक यहाँ पर मारना है गाइस, यहाँ पर जो एंटर मन हमारा जो स्पन हो जाएगा इस तरीके से है। तो यहाँ पर स्पन होगा तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको ऊपर नहीं आना, तो यहाँ पर तो अगर कुछ आप लोग सर्वर में तो आपको यहाँ पर ये आपको मतलब मार भी सकता है, डैमेज भी करेगा गाइस। तो आप लोग को एक एक ब्लॉक कोर कर लेना है ताकि ये भागे नहीं गाइस, तो मतलब बहुत मेहनत लगता है इसको स्पन करने में। तो इस तरीके से तो आप लोग एक एक ब्लॉक अगर उठा लोगे तो नहीं भागेगा, तो हम इसको अंदर डालते हैं और इसको आप लोगों को एक नेम टैग भी दे देना है। तो यहाँ पर इसको अंदर डाल देते हैं फटाफट से और इसको हम नेम टैग देते हैं। और कुछ आप माइंड करने में बैठ जाएगा तो नेम टैग नहीं लगेगा, तो आपको माइंड कर तो पहले आपको नेम टैग देना है, उसके बाद यहाँ पर माइंड कट लगा देना है, तो ये आपका तो ये नेम टैग लग जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर हम नेम टैग दे दिए और आपको माइंड करने में बैठा दिए इसको। तो आगे काम क्या करना है हम बताते हैं इसको। और उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रैप डोर ले लेना है, तो ट्रैप डोर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे तो एंटर मन के लगे यहाँ पर गड्ढा नहीं है और यहाँ पर से नीचे चल जाए। ट्रैप डोर यहाँ पर लगा देंगे, ट्रैप डोर को फिर से ट्रैप डोर को लगाने के बाद मतलब तो यहाँ पर गलती से कुछ लगे तो यहाँ पर तोड़ते हैं और उसको लगाते हैं सही से। तो यहाँ पर सही से हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर चारों तरफ से हम पूरा लगा देंगे। और क्या हो रहा है ऊपर भी लग रहा है, ऊपर नहीं लगाना, तो यहाँ पर से इस तरीके से चारों ट्रैक से चारों तरफ से लगा देना है। तो इस तरीके से हम लगा देते हैं पहले फटाफट से इस तरीके से, और इसको हम बंद कर देंगे, सभी बंद कर देते हैं हम यहाँ इस तरीके से बंद करने के बाद। और उसके बाद यहाँ जो हमारा जो ऊपर का जो टेम्परेरी बल होगा तो इसको हम यहाँ पर से ध्यान से तोड़ देंगे सभी गैस। तो इस तरीके से हम सभी तोड़ देते हैं पहले फटाफट से हम यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सभी ब्लॉक तोड़ देना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो माइंड कार्ड का जो नीचे का ब्लॉक है गैस वो भी तोड़ देना है, और यहाँ पर जो रोड है गैस वो नहीं तोड़ना है, ना तो रोड तोड़ोगे तो आप फिर एंडर जो हमारा जो जो क्या बोलता है वो नीचे चल जाएगा और गिर जाएगा। तो यहाँ पर से आपको एक स्लैब लेना है, स्लैब यहाँ पर लगा देना ताकि वो जो बेचान जो बाहर आने का तो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर घूमता ही रहेगा, वो घूमने देते हैं इस तरीके से हमारे जो इस तरीके से सभी तोड़ दिए। तो अभी हमारा जो ऑलमोस्ट जो हमारा जो फॉर्म गैस तो बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा कुछ फॉर्म देखेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर सब नीचे कैसे गिर रहा है जाके, तो इसी तरीके से। तो एक काम करते हैं हम आपको नीचे जाके दिखाते हैं। तो गैस यहाँ पर हम नीचे आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एंडामन का किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लग गया गैस। ये फॉर्म गैस इतना फास्ट वर्क करते गए यहाँ पर मारते मारते अब थक जो गए, यहाँ पर जो एंडामन गैस आना बंद नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म गैस बन के तैयार हो चुका है, इस तरीके से हमारा फॉर्म काम करते गए। अगर आपको ये फॉर्म अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर चेस्ट भी खोल के आपको थोड़ा दिखा देते हैं, तो चेस्ट में भी यहाँ पर कुछ एंटरपल भी आया कि नहीं आप लोगों को, तो यहाँ पर देख लो गाइस यहाँ पर 5 एंटरपल भी आ चुका है गाइस इस तरीके से। तो हमारा वीडियो यहाँ पर यहीं पर गया है गाइस, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।